आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शेफाली और आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आज हमारे खास कार्यक्रम उड़ान में आपका स्वागत है। हमारे आज के खास कार्यक्रम उड़ान में छोटी सी और बेहद प्यारी बच्ची आज हमारे साथ हैं। एक खास तरीके का इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं। रिधि, आपके हाथ में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, क्या कहते हैं इसको? इसके दो नाम हैं, माउथ ऑर्गन और हारमोनिका। कैसे बजाते हैं इसको? बीटिंग सिस्टम से पहले एक नोट को ब्लो करते हैं, फिर सॉन्ग पे डिपेंड करता है कितने टाइम उसे ब्लो करना है, कितने टाइम उसे अंदर खींचना है, इस तरीके से। तो आप ये पूरा अपने सांस पर कंट्रोल करके इसको बजा पाते हैं? हाँ। आप हमको थोड़ा सा बजा के दिखाएंगे कि कैसे बजाते हैं आप? बहुत खूब, बहुत प्यारा बजाती हैं रिधि। और सिद्धि, हम आपसे एक चीज़ ये पूछेंगे कि आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला, कैसे इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने का शौक आपको कहाँ से लगा? जब मैं 5 साल की थी तो मेरे भैया और पापा से मेरे को बहुत इंस्पायर हुआ, तो मैंने तब से ही यह इंस्ट्रूमेंट बजाना स्टार्ट करा है। भैया और पापा को देख के आपको इंटरेस्ट है? भैया और पापा बजाते हैं? हाँ। तो कभी कभी आप, ऐसा होता है आपके घर में कि आप दिन भर बजा रहे हो, भैया और पापा बोल रहे हो कि बस करो बेटा, बहुत हल्ला कर रहे हो, या फिर ये कहते हैं कि बेटा ये नोट ठीक से लगाओ, क्या होता है घर में? नोट ठीक से लगाओ मतलब कभी कभार जब गड़बड़ होता है तो भैया और पापा दोनों बोलते हैं कि इसे थोड़ा ऐसे, मतलब उन्हें ज़्यादा अच्छा नॉलेज है तो वो मेरे को वैसे ही सिखाते हैं। सिद्धि, अभी आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अभी मैं सागर पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? 5th। पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद है या इंस्ट्रूमेंट बजाना? इंस्ट्रूमेंट बजाना। और कभी ऐसा लगता है पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो गए, अब क्या करें, तो सबसे पहला काम क्या करते हो? मैं सबसे पहला काम तो म्यूज़िक ही, मतलब सामने जो म्यूज़िक के मेरे ये बॉक्सेस रखे रहते हैं तो मैं उसी से। इसके अलावा भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो? पियानो। पियानो बजाते हो? सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, पियानो बजाना या यही? ओके, तो अभी रिधि सारे गावा सुनाओगे हमको? सिद्धि बहुत ही प्यारा बजाती है, बहुत मधुर आवाज़ है, इंस्ट्रूमेंट बजाती लगता नहीं कि इतनी छोटी सी बच्ची इतना कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट कितने इजीली बजा रही है। सिद्धि, आपको बेहद पसंद कौन सा गाना है जो आप धुन के साथ हमको सुना सकते हैं? आ भी जा। ओके, सिर्फ पिक्चर का गाना है तो हम उसका म्यूज़िक प्ले करें, आप हमको सुनाएंगे? हाँ बिल्कुल, म्यूज़िक प्ले किया जाए। बहुत खूब सिद्धि, बहुत खूब, आ भी जा, बहुत प्यारा गाना हमको धुन में आपने सुनाया।
फिर भी घर में कौन कौन है आपके? घर में हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा और मेरे भाई है और मैं हूँ। ओके, सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? मम्मी। मम्मी प्यार करती है। और म्यूज़िक कौन सिखाता है? म्यूज़िक मेरे को ज़्यादातर पापा सिखाते हैं, लेकिन भैया के पास जब टाइम रहता है तो भैया मुझे सिखाते हैं। आप गाते भी हो? थोड़ा बहुत वोकल। थोड़ा बहुत? हाँ। सुना सकते हो? थोड़ा बहुत एक लाइन। सारे का मन अभी मैं म्यूजिक क्लास जाती हूँ तो वहाँ पे जो सारे गामा पा धा नी सा है वो एकदम सिंपल में, और जो नीचे सा नी धा पा मा गा रे सा वो थोड़ा भैरव में वैसा। आप सिद्धि की बातें सुनकर अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि सिद्धि का म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है। सिद्धि सारे गामा पा को भी उतने ही डिटेल से सीख और समझ रही हैं जितना डिटेल से उन्होंने हमको बताने की कोशिश की है। सिद्धि, बहुत फेवरेट सॉन्ग आपका कौन सा है जो आपको बजाने में बहुत मज़ा आता है? मेरा डेस्पासितो। सुना सकते हो? हाँ। तो म्यूजिक के साथ या विदाउट म्यूजिक? विदाउट म्यूजिक। विदाउट म्यूजिक? विदाउट म्यूजिक सुनते हैं। ठीक है। सिद्धि, स्कूल में भी आपकी परफॉर्मेंस आपके टीचर्स देखते होंगे, तो क्या बोलते हैं आपके टीचर्स? वो बोलते हैं कि स्कूल में सिर्फ मैं ही हूँ जिसको ऐसा टैलेंट है, और ये आप कोई भी जैसे परफॉर्मेंस होता है वहाँ पे आप हमारे स्कूल में परफॉर्म कीजिए। तो बड़ा स्पेशल डिमांड रहता होगा आपका स्कूल में, जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो टीचर्स बहुत प्यार से आपको बोलते होंगे सिद्धि आपको परफॉर्म करना, तो कैसा फील आता है? एक कॉन्फिडेंस से अंदर से लगता है कि मेरे को आगे प्रमोट किया जा रहा है। सिद्धि, स्टेज प्रोग्राम्स भी करते हो, आपको हमने देखा है कि आपने स्टेज पर भी परफॉर्मेंस किया है, तो डर लगा कभी स्टेज पर जाते हो? मेरा फर्स्ट टाइम प्रोग्राम रागिरी में हुआ था जब मैं 5 साल की थी, तो थोड़ा बहुत अंदर से लग रहा था कि कैसा होगा, मेरा फर्स्ट टाइम प्रोग्राम है। फिर जब वो हुआ एकदम से, तो जो सबने चीयर करा उससे मेरे को थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। नॉर्मली देखा जाए तो 5 साल के बच्चे समझ ही नहीं पाते कि उनको करना क्या है, खाना भी ठीक से नहीं आता, उठना बैठना ठीक से नहीं आता, लेकिन सिद्धि ने 5 साल की उम्र में ये पहचानना कोशिश कर दिया था कि स्टेज पर जाने के बाद क्या होना है और स्टेज के उतरने के बाद क्या होना है, और उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना शुरू कर दिया था। सिद्धि, जब स्कूल में प्रोग्राम करते हो तो आपके साथ वाले बच्चे आपको कैसे चीयर करते हैं? वो तो मतलब जैसे मैं स्टेज से नहीं चुक रही, सामने सब लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ से जब मैं उतरती हूँ तो वो लोग ही मेरे को सबसे ज़्यादा चीयर करते हैं। वो लोग आके गले मिलते हैं और अच्छे से कहते हैं ऑल द बेस्ट नेक्स्ट टाइम के लिए ऐसे। आज तक आपसे किसी ने कहा कि सिद्धि हमको भी सिखाइए ये कैसे बजाते हैं? हाँ मेरे स्कूल फ्रेंड्स ने कहा है, एक ने कहा है। आपको लगता है कि आप सिखा पाओगे? मतलब थोड़ा बहुत ही। ओके, तो आपने बताया कि आपको आप जो इंस्पायर हुए हो ये इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए भैया और पापा से, तो ज़्यादा बेटर वे में आपको कौन सिखाता है, भैया या पापा? भैया सिखाते हैं। तो भैया को सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? भैया का मोह मोह के धागे। ओके, आप बजा देते हो? भैया ने वो तो मेरे को नहीं सिखाया लेकिन। ओके, भैया ने ही अपना सीक्रेट रखा है, सबको सिखा देंगे तो बहन फिर भैया से बहुत ऊपर चल गई है ना, राइट? ओके, ये डर भी है लेकिन खुशी भी है कि भैया ने बहुत अच्छा सिखाया, मोह मोह के धागे अभी तक भैया नहीं सिखाए है ना। तो पापा का सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? पापा का अभी मुंगड़ा वो वाला सीखा आपने? नहीं, वो भी नहीं सीखा। वो भी नहीं। ओके, तो सबके अलग अलग गाने रहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में सबके अलग अलग गाने हैं, हम तीनों अलग अलग बनाते हैं। कभी कभार पापा में पहले पापा सीखते थे फिर मेरे को सिखाते थे, पहले उनने पहले ट्विंकल ट्विंकल सीखा फिर मेरे को सिखाया इससे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? हाँ। ओके,
हम सुनना चाहेंगे। जब आपने ट्विंकल ट्विंकल सीखा तब आपकी उम्र क्या रही होगी? 5 साल। ठीक है, 5 साल में बच्चे ट्विंकल ट्विंकल पोयम मुंह से सीख जाए यही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सिद्धि ने माउथ ऑर्गन पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपको बजा के सुनाया। सिद्धि, म्यूजिक के साथ आपको कौन सा गाना अभी मन कर रहा है कि हम अपने दर्शकों को बजा के सुना सकें? अभी डेस्पासितो मैं पूरा करना म्यूजिक के साथ जाएंगे। ओके, तो पसीतो का म्यूजिक आपके लिए लगाया। ओके, जब कुछ करने की चाह हो तो उम्र मायने नहीं रखती। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम फिर सिद्धि से ऐसे ही कुछ मुखड़े और गाने सुनेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ बहुत ही प्यारी बच्ची सिद्धि हैं। और सिद्धि ने इससे पहले, ब्रेक से पहले, हमको बहुत प्यारे प्यारे गाने अपने माउथ ऑर्गन से सुनाए थे। सिद्धि, मैं आपसे सवाल पूछूं, आपका फेवरेट कलर क्या है? पर्पल। स्कूल में बेहद पसंद क्या है? बेहद पसंद गेम्स। फेवरेट टीचर कौन है? मेरी मैथ्स टीचर। मैथ्स पसंद है? हाँ। ओके, सबसे ज़्यादा प्यारा गाना, अभी हम ब्रेक के बाद आए हैं, अब आपका कौन सा गाना बजाने का बनता है? जिंदगी एक सफ़र। तो जिंदगी एक सफ़र का म्यूजिक लगाया जाए। Thank you.
सिद्धि बहुत प्यारे प्यारे गानों की धुन हमको अपने माउथ ऑर्गन से सुना रही हैं। सिद्धि, हमारी बात हो गई फेवरेट कलर पे, फेवरेट टीचर पे, फेवरेट सब्जेक्ट पे। बेहद क्या पसंद है खाना? पनीर। पनीर पसंद है सिद्धि को। सिद्धि, पनीर खाना आपको पसंद है, मम्मी आपकी फेवरेट है घर में, टीचर आपको मैथ्स की बहुत पसंद है, और म्यूज़िक आपको माउथ ऑर्गन पे बजाना पसंद है, और क्या आपको बहुत पसंद है जो अभी तक आपने किसी से डिस्कस नहीं किया है? अभी तो मेरे को गेम्स में सबसे ज़्यादा फुटबॉल अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मैंने इंटर स्कूल मैचेस भी खेले हैं अभी। ओके, तो वो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं करा किसी से, इसलिए। सिद्धि को म्यूज़िक के साथ साथ फुटबॉल खेलना पसंद है। बहुत विपरीत लग रहा है, एक धागे के दो छोर जैसे नज़र आ रहे हैं, एक तरफ इतना सॉफ्ट म्यूज़िक तो दूसरी तरफ इतना बड़ा बॉल फुटबॉल। सिद्धि, कैसा लगता है रात में जब सोते हो तो सपने आते हैं ना छोटे छोटे से, है ना, तो म्यूज़िक आती है कि फुटबॉल आती है आपके सपने में? आज तक दोनों में से कुछ भी नहीं आया। ओके, तो क्या स्पेशल सपने आते हैं आपको? मेरे को जो मेरा बर्थडे था 7 अप्रैल के, 5 अप्रैल की नाइट में मेरे को आया था कि मेरा बर्थडे बहुत ही अच्छे से बना और दुनिया के अच्छे अच्छे म्यूजिशंस आए, फुटबॉलर्स आए, गेम्स के प्लेयर्स आए, वो ऐसा। सपने भी बिल्कुल अलग हटके रहती हैं सिद्धि। सिद्धि के सपने में बहुत बड़े बड़े म्यूजिशंस और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं। सिद्धि, इस बात पे एक गाना हो जाए, आप कौन सा सुनाना चाहेंगे? अब चीप्रिल्स। श्योर। इसको बजाने में, जैसा मैं आपको देख रही थी, आप बहुत बजाते टाइम तो नहीं, हमको सुनने में नहीं फील होता, लेकिन बजाते टाइम जरूर प्रेशर लगता होगा यार, थोड़ा उसके लिए कुछ प्रैक्टिस, कुछ सांस लेने के तरीके या कुछ योग करते हो? नहीं, इसमें क्या होता है, अगर आप इस पर ज़्यादा ध्यान दो, तो ऐसा श्योर है कि श्योरली तो ये बिगड़ता है ही। अगर आप इस पर ज़्यादा ना दे रहे, एक सामने पब्लिक बैठी है और आप इस पर ही ध्यान दे रहे हो सिर्फ पब्लिक को छोड़ के, तो ये मैं श्योरली बता सकती हूँ कि ये बिगड़ता ही है। सॉन्ग अपना बीच में कहीं पर अटक जाता है, बिगड़ता है, नोट्स बिगड़ जाते हैं, ऐसा होता ही है। क्या करते हो कि ये बिल्कुल नहीं बिगड़े? मतलब दोनों तरफ आधा आधा ध्यान, जैसे सामने पब्लिक बैठी है, यहाँ पे मैं अपना हारमोनिका बजा रही हूँ, तो आधा ध्यान उस पर, आधा ध्यान इस पर। हारमोनिका बजाते वक्त पब्लिक को भी अटेंशन देना पड़ता है और हारमोनिका पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, फिर कुछ नहीं बिगड़ता, सब कुछ ठीक जाता है, है ना? क्या बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं एक अगर म्यूजिशियन बनूंगी तो साथ में मेरे को एक स्पोर्ट्स में जाना है, और अगर स्पोर्ट्स में बनूंगी तो डॉक्टर। स्पोर्ट्स खेलेंगी तो डॉक्टर बनेंगी, और म्यूजिक में जाएंगी तो स्पोर्ट्स ज़रूर खेलेंगी। मतलब पूरी तरीके से ये है कि स्पोर्ट्स नहीं छोड़ेंगी सिद्धि, राइट? ओके, स्पोर्ट्स नहीं छोड़ेंगी रिद्धि और सिद्धि, और सिद्धि हारमोनिका भी बजाना नहीं छोड़ेंगी। सिद्धि की फेवरेट डिश सिद्धि ने बताया पनीर, है ना? इतने सॉफ्ट सॉफ्ट म्यूजिक शायद इसीलिए बजा लेते हो, है? मम्मी क्या समझाती हैं दिन भर? आप छोटी बच्ची हो, पढ़ाई की तरफ ध्यान देने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन करता है, मम्मी या पापा? भैया। भैया? हाँ। भैया क्या बोलते हैं? कि पढ़ ले मेरे जैसे अच्छे से पढ़। ओके, भैया बोलते हैं मेरे जैसे अच्छे से पढ़ो, और साथ में ये भी बोलते हैं कि मेरे जैसे अच्छा सा हारमोनिका भी बजाओ। हाँ। ओके, सिद्धि एक और अच्छा प्यारा सा गाना जो आपका मन करे वो सुनाइए। गुलाबी आँखें। श्योर।
अभी आंखें जो तेरी देखी, बहुत खूबसूरत सी है सिद्धि और बहुत प्यारी बातें भी करती हैं। सिद्धि, म्यूजिक में इंटरेस्ट बताया आपने, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बताया, पढ़ाई करना कैसा लगता है? अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है। अभी आप कौन सी क्लास में? मैं फिफ्थ में हूँ। फिफ्थ में है, सागर पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं सिद्धि और फिफ्थ क्लास में है। म्यूजिक के साथ साथ स्पोर्ट्स बेहद पसंद है, कुछ भी करेंगी बड़ी होके मगर स्पोर्ट्स नहीं छोड़ेगी। हारमोनिका बहुत प्यारा बजाती हैं सिद्धि। आपने बताया कि इसको बजाने में ताकत लगती है, दम लगती है, अपनी सांस को एक रिदम में लेना और छोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए जो योग और प्रैक्टिस और जो एक्सरसाइज करते हो उसको कितना समय देते हो? उसको मुश्किल से हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में क्या करते हो? मेडिटेशन करती हूँ, योग नहीं, मेडिटेशन करती हूँ हाफ एन आवर पूरा। सिद्धि मेडिटेशन करती हैं, हुनर हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन बखूबी कुछ बच्चों के पास भगवान की नेमत होती है, सिद्धि के पास है। सिद्धि हारमोनिका बहुत अच्छा बजाती हैं। सिद्धि, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमको इतने प्यारे प्यारे गाने अपने हारमोनिका से सुनाए, चलते चलते एक और प्यारा सा गाना जो दर्शकों को सुनाना चाहती है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। सिद्धि हमको चलते चलते इस म्यूज़िक की धुन पर अपने हारमोनिका से सुना कर जाएंगी। हमारे साथ सिद्धि और उड़ान कार्यक्रम में हम हर बार आपको ऐसी ही एक नई प्रतिभा से मिलवाते रहेंगे। सिद्धि, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।